सर, कल शाम को हमें पता चला कि एक बच्चा गुम है, तो फिर पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट लिखवाई के लिखवाने के लिए उसकी माँ और वो गए, अपना उसका चाचा बाप जो भी है बच्चे के। फिर उसके बाद जो शक का सारा दायरा है वो चला गया माँ और उसके चाचा के ऊपर। इनके नजायजबंद थे इस बात की जानकारी पूरे मोहल्ले को, क्या पुलिस डिपार्टमेंट तक भी इसकी पहले शिकायत गई हुई थी, लेकिन फिर वही है कि राजनामा करके घर वापस ले आते थे। आरोपी माता और चाचा को सख्ती से पूछा, वह उन्हीं की निशानदेही पर जो है डेड बॉडी को जो है जंगल में जो है प्राप्त किया है। जिस जो अक्यूज्ड है ना सेवा सिंह, इसने अपनी माँ को जहर देकर मारने की कोशिश भी की थी। वो 25 तारीख को माँ ने फिर अपना केस विथड्रॉ करके पुलिस स्टेशन से इसको बचा के लाई थी। सर, कल शाम को हमें पता चला कि एक बच्चा गुम है, तो फिर पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट लिखवाई के लिखवाने के लिए उसकी माँ और वो गए, अपना उसका चाचा बाप जो भी है बच्चे के। उन्होंने वहाँ जाके इस बात की जब रिपोर्ट लिखवाई है कि बच्चा गुम सुबह से है, तो फिर शाम को हम भी यहाँ आए, पुलिस डिपार्टमेंट भी आया। फिर जब छानबीन की तो लगभग ये क्लियर हुआ कि बच्चा सुबह किसी ने नहीं देखा, सुबह घर से निकलते हुए किसी ने देखा। फिर उसके बाद जो शक का सारा दायरा है वो चला गया माँ और उसके चाचा के ऊपर। फिर उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट अपने साथ ले गई है, फिर वहाँ से इसको पूछताछ की है, फिर उन्होंने ये सब अपना गुनाह कबूल किया है। तो अभी हमने सुबह उसकी बॉडी को ट्रेस किया है। वो तो पहले आपको मालूम था ये गांव वालों को कि इनके कोई इनके नजायजबंद थे इस बात की जानकारी पूरे मोहल्ले को, क्या पुलिस डिपार्टमेंट तक भी इसकी पहले शिकायत गई हुई थी, लेकिन फिर वही है कि राजनामा करके घर वापस ले आते थे। अभी कुछ दिन पहले इसकी जो जिस जो अक्यूज्ड है ना सेवा सिंह, इसने अपनी माँ को जहर देकर मारने की कोशिश भी की थी। वो 25 तारीख को माँ ने फिर अपना केस विथड्रॉ करके पुलिस स्टेशन से इसको बचा के लाई थी। हमारा तो ये मानना कि अगर वो 25 तारीख को ना बचा के लाती, ना राजनामा करती, तो शायद ये बच्चा आज जिंदा होता, क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध है। तो भैया क्या चाहते हैं, ये क्या हम चाहते हैं कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त सजा मिले। युद्धवीर सन ऑफ बलवंत सिंह, गांव जो है पलाखी का लड़का जो गुम हुआ था 7 साल का, इसकी सूचना जो है पुलिस को मिली, जो पुलिस ने उसकी जो है छानबीन करते हुए आरोपी माता और चाचा को सख्ती से पूछा, वह उन्हीं की निशानदेही पर जो है डेड बॉडी को जो है जंगल में जो है प्राप्त किया है। जो अब ये फैसल की टीम आ रही है और इनके खिलाफ अभियोग अंडर सेक्शन 302 आईपीसी 34 आईपीसी का दर्ज किया है। इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है, अपराधियों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है।